चलिए देखिए बेटा, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद फ्रॉग। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे हम। फ्रॉग जो होता है वो उसमें आता है हम जैसा होता है काफी हद तक, ठीक है, यानी ये कॉर्डेटा में आता है। तो हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टर्स काफी हमसे मिलते हैं ह्यूमन से, ठीक। तो देखेंगे फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, क्योंकि एम्फीबियन होते हैं। और एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो एम्फी मींस बोथ, ठीक है, बियंस मींस लाइफ फॉर्म, यानी ये लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। और दोनों जगह पे सर्वाइवल के लिए इनके पास डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो इनके पास गिल्स होते हैं जब ये लार्वा होते हैं, यानी एक्वाटिक फॉर्म में होते हैं, एज वेल एज लंग्स। लार्वा केवल एक्वाटिक फॉर्म में होता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं एडल्ट की। तो एडल्ट के पास जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स से होता है और स्किन से होता है। तो जब एडल्ट लैंड पे होता है तो वो लंग्स से रिस्पायर करता है, और जब वो वाटर के अंदर होता है एडल्ट, फ्रॉग तो पानी में भी चला जाता है, तब वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। तो इनसे इनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, यानी विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। देखिए, तो दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरी करता है एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखेंगे हम, इनकी बॉडी के टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है, इसलिए इनका कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता। और ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पॉइक्लोथर्म्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड, ये बहुत ध्यान से आप याद रखेंगे, हम वार्म ब्लडेड होते हैं और फ्रॉग्स कहते हैं कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड के लिए ही ये टर्म है पॉइक्लोथर्म्स, टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं रख पाना, पॉइक्लोथर्म्स। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन कलर ऑफ द फ्रॉग्स, ठीक है, जब वो ग्रासेस में होते हैं या ड्राई लैंड पे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका कलर चेंज हो जाता है। और इस एक्टिविटी को आप कीमोफ्लेज के नाम से जानते हैं। कीमोफ्लेज का मतलब होता है अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने कलर को सेट कर लेना, यानी ग्रीन कलर की ग्रास में है तो फ्रॉग अपने आप, मतलब जो फ्रॉग ग्रीन ग्रासेस वाले प्लेस पे होते हैं उनकी बॉडी में ग्रीन कलर होता है, यानी उनकी स्किन ग्रीन कलर की होती है। और जो ड्राई एरियाज में होते हैं उनकी ब्राउन कलर की बॉडी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो दूर से ऊपर से उड़ने वाले जैसे वल्चर हैं या चील है, ये सब उनको आके खा ना ले आसानी से, ये नोटिस्ड नहीं होते। इसलिए कीमोफ्लेज हमारी नेचर ने दिया है एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है, ठीक। जैसे कि आप लोग गिरगिट जानते हैं, गिरगिट को और क्या बोलते हैं? हेमिडेक्टाइलस। तो वहां पर क्या है, कलर चेंजिंग टेंडेंसी है बहुत ज्यादा, कि वो भी अपने को अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेते हैं, उनके पास कीमोफ्लेज की टेंडेंसी होती है। तो हम देखेंगे दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, यानी कीमोफ्लेज का जो प्रोसेस है इसी को आप मिमिक्री के नाम से जानते हैं। आगे जब आप बीएससी या कोई भी और कोर्स करते हैं तो वहां आप इस तरीके के टर्म्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर आपने समझ ली तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर, यानी फ्रॉग रेनी सीजन में जनरली मिलते हैं, ना ज्यादा गर्मी में मिलते हैं ना ज्यादा सर्दियों में मिलते हैं, क्योंकि एनिमल्स के पास टेंडेंसी होती है या तो वो हाइबरनेशन कर लेते हैं या एस्टाइवेशन कर लेते हैं, यानी विंटर स्लीप या समर स्लीप। तो आप देखेंगे कि जो एनिमल्स, जैसे मैं कह रही थी अभी कॉकरोच आपको आगे आने वाले टाइम में सर्दियों में दिखेंगे, तो अब तो गर्मियों में कहाँ थे वो अपनी समर स्लीप में गए हुए थे। अपनी बॉडी के अंदर इतना फूड इकट्ठा करके वो लेकर जाते हैं, जाके सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपने घरों में जाके सो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही सेट कर पाती है खुद को। जैसे कॉकरोच सर्दियों में आएंगे, गर्मियों में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक, फ्रॉग है ना, ज्यादा गर्मियों में मिलेंगे ना सर्दियों में, रेनी सीजन में मिलेंगे। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही सारे एनिमल्स आउटर एनवायरमेंट में अपने आप को एक्सपोज करते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर टू डीप ब्रोस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड समर स्लीप, जिसको हम कहते हैं एस्टाइवेशन। और सर्दियों में जब सोते हैं तब उसको कहते हैं विंटर स्लीप, यानी हाइबरनेशन। तो ये थी इनके बारे में जनरल फीचर्स। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी। तो क्या आपने कभी इन फ्रॉग को टच करके देखा है? तो आप देखेंगे कि इनकी स्किन बहुत ही स्मूथ गिलगिली सी होती है, क्योंकि इनकी बॉडी पे म्यूकस होता है और म्यूकस इनकी बॉडी को हमेशा मॉइस्ट रखता है। तो मॉइस्ट यानी ऑयली ग्रीन कलर के जनरली आपको दिखेंगे या रेगुलर स्पॉट दिखेंगे। वेंट्रल साइड पे इनकी स्किन पेल येलो दिखेगी, ठीक है। और फ्रॉग के पास कभी भी पानी, ये मतलब पानी नहीं पीते, इनकी स्किन वाटर अब्सॉर्ब करती है। तो बॉडी जो होती है फ्रॉग की वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। यहाँ फ्रॉग की इमेज आपकी बुक में होगी लेकिन यहाँ अपीयर नहीं हो रही है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो इनके पास नेक और टेल नहीं होते, माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल हैं, आईज इनकी बल्ज हैं और उसके ऊपर निक्टेटिंग मैम्ब्रेन है ताकि जब ये पानी में जाए तो इन्हें दिखता रहे, ठीक। और आईज के दोनों तरफ टिम्पेनम है यानी ईयर है जो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। और जो फॉरलिम्ब और हैंडलिम्ब है वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, लीपिंग में और ब्रोइंग में, ठीक। स्विमिंग यानी तैरने में, चलने में, और लीपिंग यानी बहुत बिल्कुल अपने पैरों को नीचे करके आराम से चलते हैं अननोटिस्ड, तब उसको लीपिंग कहते हैं। ब्रोइंग यानी गड्ढा बनाना, गड्ढा बना के अंदर जमीन में रहना। हैंडलिम्ब जो होते हैं पीछे वाले, उनमें 5 डिजिट्स होती है, 5 उंगली यानी की वो बड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं। और फॉरलिम्ब में 4 डिजिट्स होती हैं। जो फिट है पंजा वो वेब्ड होता है, वेब्ड समझ रहे हैं आप लोग? देखें यानी यहाँ पर जैसे स्विमर्स जब हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तो पैरों में पहनते हैं ना बड़ी बड़ी, ताकि तैरने में आराम मिले, ऐसे पैरों में पहनते हैं हम। तो ये रैप्ड होता है इस तरीके से, ऐसे इनके अंदर बीच में जाल बना हुआ होता है ताकि तैरने में जब ये पानी को पीछे करें तो इनकी उंगलियों के बीच में से निकल ना जाए, ठीक है। तो इनके फीट रैप्ड होते हैं। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल को हम देख सकते हैं कि उनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक है, कॉपुलेटरी पैड भी है फर्स्ट डिजिट पे फॉरलिम्ब की, और फीमेल में ऐसा नहीं होता, ठीक। फिर हम देखते हैं इसकी एनाटॉमी। देखिए तो एनाटॉमी यानी कॉपुलेटरी पैड का मतलब क्या है? कॉपुलेटरी अपरेटस टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, टू रिलीज स्पर्म टुवर्ड्स फीमेल, उसको कॉपुलेटरी पैड कहते हैं। बॉडी कैविटी जो होती है फ्रॉग्स की, इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेशन के लिए सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव सारे सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, और इसलिए जो इनकी लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस होती है, ठीक है। कार्निवोर्स है, इनकी लेंथ छोटी ज्यादा बड़ी नहीं है। और माउथ जो होता है वो बकल कैविटी में खुलेगा, आप देख सकते हैं। देखिए इनका इसोफेगस है, ठीक। अब इनकी यहाँ पर स्टमक है, इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी इंटेस्टाइन है, ठीक। और ईसोफेगस के बाद फेरिंग्स, इसके बाद ईसोफेगस भी बहुत शॉर्ट है, और ये कहाँ खुल गई? स्टमक में। फिगर में आप देख सकते हैं ईसोफेगस किसमें खुल गया? स्टमक में। स्टमक से क्या आ गया? इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और फाइनली ओपन सिंथेटिक क्लोइका। क्लोइका क्या हो गया?
एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक, लीवर क्या सीक्रेट करेगा? बाइल, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एक पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगी जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। फूड इसकी बाइलोब्ड टंग में आ जाता है, आप देख सकते हो ये टंग है इसकी। ठीक, यहाँ सॉरी हार्ट है इधर। जब इसकी टंग की माउथ एपरेटस की बात करते हैं तब वहाँ इसकी बाइलोब्ड टंग होती है जहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का HCl के थ्रू, गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को स्पाइन कहते हैं, वो पहले स्टमक में जाता है, ठीक है, और वहां से फिर डियोर्नम में वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। वहां पे बाइल जूस मिलता है गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाटिक जूस मिलता है पैनक्रियास से, और फिर वहां से जो बाइल है वो फैट को डाइजेस्ट कर देगा और पैनक्रियाटिक जूस खाने में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे और फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा। जो डाइजेशन होता है फूड का वो किसके थ्रू हो रहा है? उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए विलाए और माइक्रोविलाए हैं इंटेस्टाइन में, जैसे कि ह्यूमंस में भी होते हैं। तो विलाए और माइक्रोविलाए का क्या रोल होता है आप देख सकते हैं, अगर ये कोई सरफेस है और यहाँ पे ये विलाए और इनसे रिलेटेड यहाँ पे माइक्रोविलाए हैं, तो इससे क्या होता है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाता है। यानी एक लाइन पे आप देखो तो एब्जॉर्प्शन केवल इसी सरफेस पे हो रहा है। अब यहाँ एब्जॉर्प्शन यहाँ चारों तरफ होगा, हर जगह एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ जाएगा। तो विलाए और माइक्रोविलाए का काम होता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देना। तो द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इन टू रेक्टम और फिर वो कहाँ चला जाएगा? क्लोइका में चला जाएगा। फ्रॉग रेस्पायर करते हैं लैंड पे भी और वाटर में अलग अलग मेथड से। वाटर और स्किन में उनके पास एक्वाटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्यूटेनियस। डिजोल्व ऑक्सीजन स्किन के थ्रू डिफ्यूजन से एक्सचेंज करते हैं। देखिए बेटे ये होती है बाइलोब्ड टंग, आप देख सकते हो ये फ्रॉग है, इसकी आगे से बाइफर्केशन प्रेजेंट है, दिख रहे हैं सबको? तो दिस इज बाइलोब टंग। देखिए तो ऑन लैंड जो हम जमीन पे बात कर रहे हैं तो बकल कैविटी स्किन और लंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ऐसे रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जो लंग्स होते हैं ये पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर सैक हैं जो अपर ट्रंक में थोरैक्स में प्रेजेंट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों लंग्स हैं इसके। ठीक, तो एयर जाती है नॉस्ट्रिल के थ्रू बकल कैविटी में, फिर लंग्स में जाती है और एस्पिरेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे इनका जो गैसेस एक्सचेंज है वो केवल स्किन से ही होता है। तो जो वेस्कुलर सिस्टम है फ्रॉग के अंदर वो वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, हार्ट ब्लड वेसल और ब्लड प्रेजेंट हैं, लिम्फ लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, अपर पार्ट में है, थ्री चैम्बर्ड है, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं हार्ट प्रेजेंट है, वन टू और थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक, अब हम देखेंगे इनके बीच में पेरिकार्डियम से मेम्ब्रेन होती है और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम साइनस वेनोसस कहते हैं, वो राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है, रिसीव करता है ब्लड को मेजर वेंस के थ्रू जिसे वेना कावा कह रहे हैं। वेंट्रिकल ओपन होता है सैक लाइक कॉर्नस एट्रियोसिस में वेंट्रल साइड पे हार्ट की तरफ। देखिए यहाँ हार्ट की तरफ वेंट्रिकल ही ओपन होता है क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों प्रेजेंट हैं। तो ब्लड जो है वो हार्ट से किस में जाएगा? आर्टरीज में। वीन्स उसको कलेक्ट करेंगी बॉडी पार्ट से, वीनस ब्लड होगा जो आर्टरीज से आएगा। ठीक है, वो कैसा होगा? आर्टरियल सिस्टम के थ्रू आर्टरियल ब्लड। तो स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में और किडनी और लोअर पार्ट के बीच में, जो फॉर्मर मतलब पहले वाला यानी हार्ट जो बनाता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में। लीवर और इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन है उसको आप हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं और किडनी और लोअर पार्ट के बीच में जो है उसको आप रेनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं।
ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब हैं, आरबीसी न्यूक्लिएटेड हैं, रेड पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है इनके पास। लिम्फ जो होता है वो ब्लड से अलग है, उसके अंदर प्रोटीन और आरबीसी लिम्फ के अंदर नहीं होते। ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस है, वाटर है। जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो पंपिंग के थ्रू होता है मस्कुलर हार्ट में। ठीक, ये था इसका डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम।